तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये रही हमारी गाड़ी। अब इसका फ्यूल टैंक हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे है अभी जो इसका फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप को हम लोग खोल रहे हैं, फिर इसका मोटर रिप्लेस करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये फ्यूल पंप है इसका। अब ये फ्यूल पंप को ओपन करेंगे और इसके अंदर मोटर इंस्टॉल करेंगे। ये फ्यूल पंप को ओपन करने के लिए आपको पहला जो ये वायर्स होते हैं मोटर्स के, उसको आपको हटाना होगा और देन ही इसका जो वायर है ये भी निकालना पड़ेगा आपको नीचे से। और यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम होता है, ये पुश लॉक सिस्टम होता है, यहाँ पे पुश लॉक सिस्टम है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा दोनों अप साइड डाउन साइड में, तो वहाँ पर फिर मोटर रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट्स को ओपन कर लिया है। ये कुछ इस टाइप्स का है, ये लॉकिंग सिस्टम होता है यहाँ पर, और ये हमारा कंपनी का जो मोटर है जो प्रॉब्लम दे रहा है, मोटर हो गया, जो मोटर आता है ये कंपनी का देख सकते हैं कुछ इस टाइप से है। और ये फिल्टर है, फिल्टर नहीं मिलता है बाहर, तो हम लोग इसे अभी WD-40 से पूरा क्लीन करेंगे फिर लगाएंगे इसको नए मोटर के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको WD-40 मारना है, जिससे पूरा क्लीन हो जाएगा एकदम, लाइक एक टाइम बोल सकते हैं ब्रांड न्यू के साइज टाइप का हो जाएगा, तो जिससे आपको इन फ्यूचर और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इसके ऊपर। मैं समझ लूँ कि डेली नहीं है, बहुत रेयरली देता ही। ये प्रॉब्लम मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तो 6-7 महीने चलाते गए साहब गाड़ी, क्योंकि जब ये होता है ना बंद तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि किधर जाते रहो और बंद, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपको 15-20 मिनट तो होल्ड करना ही पड़ेगा, जब तक 20 मिनट बहुत कम हुआ, आधा घंटा, दो ढाई घंटा। गाड़ी ठंडी कैसे होगी जब, क्योंकि आपका फ्यूल इंजेक्ट काम नहीं कर, गाड़ी बहुत ज़्यादा उससे हीट करेगी, आपका पूरा ऑयल सूख जाता है उससे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 1.5 महीने में मैंने ये किया। क्या सर्विस? ऑयल चेंज किया, ऑयल चेंज। थैंक गॉड कि मुझे वीडियो मिली आप। मैं संडे को इतना परेशान हो गया था ना, मैं सर्विस सेंटर में गया था, मुझे टोटल कितना इसका 6500 बोला, इंजन का मुझे 12-15 हज़ार बोला, टोटल ऑल ओवर मुझे 6500 तो इसका बोला उसने। और चेंज करने का कितना, पंप का, सिर्फ पंप चेंज करने का? वो बोलता है पूरा आएगा। नहीं नहीं, पंप चेंज करने का लेबर, लेबर चार्ज तो 3-4 हज़ार सब जा रहा था, इंजन उंजन पकड़ गया टोटल ऑल ओवर। अच्छा, पूरा कॉम्बो दिया था आपको उसने, टोटल खर्चा दिखा 25,000। मैं तुरंत चला गया सुजुकी के शोरूम में, यार मुझे बग में एक्सेस का मुझे ये दे दो आप, प्राइस ब्रेकअप दे दो, मुझे स्कूटी देना ही पड़ेगा। तो मतलब नहीं है ना, नया भी लेके फिर वही आपको इसको तो फेस करना ही पड़ेगा। जो क्या था, जो चीज़ का जरूरत थी उस पर कर सकती हूँ। BS7 आएगा तो उसके साथ एक टाइम सोच सकते हैं, सेम BS6 के फील्ड में वापस जाके मतलब नहीं है ना, थोड़ा टाइम मार के छोड़ दो ना उसको, बहुत टाइम से वो जमा रहेगा ना, थोड़े टाइम में वो बहुत खर्च होगा। पिछले संडे ना बहुत ज़्यादा अलग लेवल का खर्चे थे, ये हुआ कि चलो। अब देखिए ये क्या कंडीशन था, अभी कैसा हो गया, पूरा एकदम क्लीन हो गया। ये अंदर के नहीं होते क्लीन, क्योंकि ये यहाँ पे मतलब कुछ ब्लॉक टाइप का होता है तो वहाँ पे थोड़ा जमा हो जाता है, बाकी अदरवाइज पूरा क्लीन हो चुका है। अभी हम लोग रीफिट करते हैं नया मोटर के साथ, फिर चालू करके दिखाते हैं आपको। अभी देखो ये नया मोटर हम लोग लगा रहे हैं, नया मोटर लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है अभी राइट नाउ स्पार्टा ब्रांड का है, ये मोटर इसके अंदर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी से पूरा रीफिट कर लिया है मोटर वगैरह नया इंस्टॉल करके, अभी से टैंक के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। फूट गया था उससे, कुछ भी नहीं था। हाँ मतलब
फिल्टर पूरा सूख गया। 50 ml 100 ml मैं तो था नहीं। इंजन का जो काम रहता है ना मेन डिपेंड करता है ऑयल कितना निकला गाड़ी में से, तो उससे फिर अपने को डिसाइड हो जाता है इंजन कितना ऑयल खा रहा है तो कितना काम रहेगा। एक वो जरिया रहता है पता करने का, अगर आप वो नहीं डाले रहते तो मतलब हम लोग ऐसा मतलब हम लोग चेंज करते तो हमको देख के समझ में आ जाता फिर कितना काम रहेगा गाड़ी में ऐसा।